सत्य बा, कोई बहुत सही सवाल किया आपने। मुझे सब लोगों की यह लगा लगा कि मैं बिहारी और मैं बिहारी ही। आजकल जो चल रहा है उस पर रवि किशन का क्या कुछ कहना है और इसमें क्या बदलाव करने वाले हैं रवि किशन? मैं देखिए बिहार तक को यह कहा कि जो गाना देखा तड़ा वो भोजपुरी सिनेमा नहीं है, जो एल्बम का दौर आ गया ये भोजपुरी सिनेमा नहीं है, ये फुगड़ता भोजपुरी सिनेमा की नहीं है। इसको सुधरना है, कुछ लाख कमाने के लिए लोग भोजपुरी के लिटरेचर को बर्बाद कर रहे हैं। महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर जो सोचते हैं बिहार का एक इतिहास है, बिहार का एक लिटरेचर है। मेरा सवाल अभिनेता रवि किशन से है, संघर्ष से शिखर तक के सफर में बिहार का कितना योगदान है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मेरा आकलन ये कहता है कि मैं अगर 90% बिहार के लोगों से पूछूं कि रवि किशन कहाँ से हैं, उनका जवाब जौनपुर नहीं होगा, उनका जवाब बिहार होगा। सत्य बा, कोई बहुत सही सवाल किया आपने। मुझे सब लोगों की यह लगा लगा कि मैं बिहारी हूँ और मैं बिहारी ही हूँ, बिकॉज बिहार ने जो हमको दिया है वो हम कभी सोच नहीं सकते। तो बिहार का बहुत बड़ा कर्ज है और आज मतलब निशब्द हो जाता हूँ, बिहार को लेके भावनात्मक हो जाता हूँ। बिहार ने हमको अपने मन से उठाया, बिहार ने हमको एक अनजान इंसान को नाम दिया। तो बिहार के भात या बिहार के बारे में जब भी थोड़ा हम भावनात्मक हो जाइला और मैं ऋणी हूँ समस्त बिहार की माटी का। भावना से जुड़ा हुआ ये सवाल है, इस भावना को आयाम देने की ज़रूरत भोजपुरी में भी है, तो आजकल जो चल रहा है उस पर रवि किशन का क्या कुछ कहना है और इसमें क्या बदलाव करने वाले हैं रवि किशन? मैं देखिए बिहार तक को यह कहा कि जो गाना देखा तड़ा वो भोजपुरी सिनेमा नहीं है, हम लोग को बनाना है। गोरखपुर का महादेव एक पिक्चर बना रहे हैं, कब हुई गौना हमार पहले जैसी आती थी कि ये गंगा मैया तो हैं पेरी चढ़ाई, वो सब सिनेमा सैयाँ हमारे जैसे मोहन जी प्रसाद बनाते थे या हमारे कुछ और कलाकारों की अच्छी फिल्में रही हैं भोजपुरी में, ये नहीं कहता हूँ। लेकिन ये जो एल्बम का दौर आ गया ये भोजपुरी सिनेमा नहीं है, ये फुगड़ता भोजपुरी सिनेमा की नहीं है। इसको सुधरना है, कुछ लाख कमाने के लिए लोग भोजपुरी के लिटरेचर को बर्बाद कर रहे हैं। महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर जो सोचते हैं बिहार का एक इतिहास है, बिहार का एक लिटरेचर है, भोजपुरी का एक 25 करोड़ की बोली जाने और समझे जाने वाली भाषा है ये सरकार बनाती है, सरकार गिराती है, प्रधानमंत्री बनाती है, इतनी बड़ी शक्ति रखते ये समाज, दिल्ली की सरकार बनाता है ये समाज, पूर्वांचलियों पे ही केजरीवाल जीत जाते हैं उनको बेवकूफ बना बना के। तो ये समाज बहुत भाव इमोशनल भी है, तो ये वो नहीं है। लेकिन यस, गोरखपुर का महादेव एक सिनेमा बना रहे हैं और कोशिश है हमारी कि भोजपुरी को महादेव चाहेंगे एक नया आयाम और एक नया आगाज, जैसे RRR रही, KGF रही, पुष्पा रही, भोजपुरी को अब हम उस दिशा में देख रहे हैं। आगे ऋचा, कैसी हैं ऋचा जी? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैम ठीक है ऋचा जी। मेरा सवाल यही है आपसे कि यूपी में तो आपने गाना गा के यूपी जीत लिया, गुजरात में रैप सॉन्ग लाए वो भी जीत लिए, बिहार में सीन पलट गया, कुड़नी हम जीत के आए अभी। और देखिएगा हम 24 में पूरा बहुत बुरी पटकनी खाएंगे नीतीश बाबू, उनकी सरकार बहुत बुरी हारेगी 24 के चुनाव में, जनता पूरी तैयार है। उनके धोखे के बाद जैसे उनकी शराबबंदी की नीतियाँ उनकी फ्लॉप हुई, लोग वहाँ मर रहे हैं, अपहरण हत्याएं रोज़ होने लगी, जो हिसाब से वहाँ पे जंगलराज का कमबैक हुआ है उस हिसाब से लोग पूरा बिहारी उद्योगपति लोग वहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहा है, पलायन कर रहा है, लोग गोरखपुर के में आके बसना चाह रहे हैं, गोपालगंज और अगल बगल के लोग। तो अब हम यही चाहेंगे कि अब जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 24 में नीतीश बाबू बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और ये उनके पतन की शुरुआत, उन्होंने वो एक कहते हैं ना कि आदमी पेड़ पे से खुदे कुल्हाड़ी का एम लिया और उस पर कूद गया, नीतीश बाबू ने अपनी राजनीतिक हत्या स्वयं की है। रवि जी, आप लगातार हर मंच से ये तो कहते आए हैं कि जब से मोदी जी से मिले पगला गए एकदम से, मोदी जी में वो क्या दिखता है आपको, कौन सा प्रभाव है जिससे आप एकदम पगला ही जाते हैं? देखिए वो जब आदमी निस्वार्थ होता है ना तो उसमें गलत तेज आता है ना, उनका बैंक बैलेंस है, अब जब भी वो त्यागेंगे अपने आप प्रधानमंत्री पद तो उनका स्वयं का घर भी नहीं ना स्वयं की गाड़ी हो, तो ऐसे लोग सदियों में अवतरित होते हैं। ऐसे लोग योगी जी जैसे लोग जो निस्वार्थ हैं, ना परिवार के लिए जिए ना स्वयं के लिए जिए, तो ये लोगों ने देश को बनाया और मोदी जी ने देश को जो बदला है वो आप देख ही रहेंगे, और ये उनका तेज उनका चेहरे पे ऐसा है कि आप उनको देखेंगे और आप ब्लैंक हो जाएंगे। और आप मेरे मन में 10 सवाल रहते हैं जब भी मैं मिलने जाता हूँ उनसे, और मैं उसमें भूल जाता हूँ 8 सवाल और 2 सवाल बड़े मुश्किल से याद रहते हैं उनके चेहरे में, उनकी आँखों में, वो योगी जी में भी।
तो बड़ा बड़ा बहुत मुश्किल होता है कि हम बाहर बड़ा प्लान करते हैं कि बतिया भी बोला वो बोला अपने क्षेत्र की बात करूँगा ये करूँगा, और जब उनका चेहरा है उनकी आँखें देखता हूँ तो मैं बहुत सारे सवाल अपने भूल जाता हूँ जी। और चलिए अब राजनीति से थोड़ा इतर आ जाते हैं, बॉलीवुड और भोजपुरी पर भी आपकी योजना भी है फिल्म सिटी बनाने की और बन भी रही है, हमने देखा भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री तो बना दिया, क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? वो रवि किशन करेंगे, हम तो क्या कर रहे हैं रवि जी, ऐसा मणि रत्नम सर से लेके श्याम बेनेगल ऐसा तेलुगु की सब बड़ी फिल्में, बहुत छात्र हूँ मैं, और अब उसके लिए थिएटर में बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूँ वहाँ पे गोरखपुर में, सिनेमा में अच्छी स्क्रिप्ट्स ला रहा हूँ, अच्छे कैमरामैन यंग टीम ला रहा हूँ, और साउथ के कुछ लोगों को ला रहा हूँ, और भोजपुरी सिनेमा बना रहा हूँ इस वक्त। वो फिल्म का नाम है गोरखपुर का महादेव, और इस